हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है इसमें। इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, हीटिंग किया हुआ है। तो जब भी किसी रिएक्शन में हीटिंग किया हुआ हो, खास करके अल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहल हो, इस तरह से, ठीक है, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें लिविंग ग्रुप और हीटिंग किया हो, तो अल्किन बनने के चांसेज होते हैं। चांसेज नहीं होते, होते हैं। तो जैसा कि देखिए, चारों प्रोडक्ट में अल्कीन बना रखा है, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, गलती से इस चैप्टर में दे रखा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, करते हैं सॉल्व। तो मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर, चाहे एलिमिनेशन हो या कुछ भी हो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप लीव करेगा और कार्बो कैटायन बनेगा। तो सबसे पहला नंबर मैं इस कंपाउंड को लिखता हूँ, देखिए क्या है सी, और यहाँ पर ये इसको मैं पीएच कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये CH3 है, और फिर उसके बाद जो है CH, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये 14 वाला है। सॉरी, बोलते बोलते क्या है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो जाता है, ये बात आप समझ सकते हो। खैर, देखिए यहाँ से CH14 ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है कार्बोकेटाइन बना, कहने का मतलब जैसे ही लिविंग ग्रुप यहाँ से लिव किया, कार्बोकेटाइन बना। हमेशा ध्यान रखिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मूल मंत्र है कि जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तो रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, माइग्रेट करने के लिए इस तरफ से जो है एक फिनाइल है और एक CH3 है। तो हम जानते हैं कि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1,2-फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2-फिनाइल शिफ्ट होगा। तो जैसे ही फिनाइल यहाँ पर शिफ्ट होगा बच्चों, तो ये CH3C यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी आवाज़ थोड़ा खराब हो रहा है, CH3, उसके बाद जो है यहाँ पर CH, ठीक है, और एक CH3 तो है ही, और इधर भी PH जुड़ गया। ठीक है, अब एलिमिनेशन कैसे होता है, तो एलिमिनेशन होने के लिए इसके ठीक बगल में जो, जैसे देखिए यहाँ पर कोई बेस बेस नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन सही मायने में कि जब भी एलिमिनेशन होता है ना, तो किसी न किसी बेस के प्रेजेंस में होता है, समझ गए बात को। अगर वीक बेस लिया हुआ है, वीक बेस के रूप में जैसे मान लीजिए हमने कोई अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो ये अल्कोहल अब क्या करता है, जैसे अल्कोहल है, नहीं भी दिया है ना, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार रिएक्शन में कुछ कुछ चीज़ें गायब कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन कब होता है, एलिमिनेशन के लिए हीट की ज़रूरत होती है, बेस की ज़रूरत होती है। तो ये बेस क्या करेगा ना बच्चों, यहाँ से इसके कार्बोकेटायन के ठीक बगल वाले हाइड्रोजन को ये यहाँ से निकाल लेता है। ठीक है, निकाल लेता है। तो जैसे H+ को यहाँ से H2 हाइड्रोजन को निकालेगा, तो बताइए यहाँ पर क्या ये कार्बन आयन्स बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। अब सवाल उठता है क्यों बनाएगा कार्बन आयन्स। ठीक है, तो क्या कार्बन आयन्स बनाने से इसको कुछ स्टेबिलिटी विस्टेबिलिटी मिलने वाली है क्या? बिल्कुल, अगर यहाँ पर ये कार्बन आयन्स बनता है, तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस हो जाएगा, है ना, लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, एक प्रकार से कंजुगेटेड सिस्टम बना रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर रेजोनेंस होगा, तो उस रेजोनेंस के चक्कर में, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, वैसे भी एक बात और समझ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में एडजेसेंट पोजिशन पर हो, तो ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर, ये C14 वाला कार्बन है अपना। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये बेस जो है यहाँ से H2 हाइड्रोजन को ले जाएगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो चलिए, प्रोडक्ट पहचानने का टाइम आ गया है। तो प्रोडक्ट जो है मुझे चारों ऑप्शन में से C दिख रहा है, ठीक है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है।